आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केस ऑफ ब्रेक्सिट. सो इसके पहले वी आर गोइंग टू सी द पावर्स ऑफ EU. देखो, यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी चीज़ें कॉमन करने की कोशिश की, जैसे कि EU का कॉमन फ्लैग है यूरोप, जो कि हम लोगों ने वीडियो में देखा. यूरोपियन यूनियन का कॉमन फ्लैग है, यूरोपियन यूनियन का कॉमन एंथम है, यूरोपियन यूनियन की कॉमन फॉरेन पॉलिसीज़ है विद अदर नेशंस. सो ऐसे बहुत सारी चीज़, यूरो एक कॉमन करेंसी है इनके, फिर शेंगन एरिया वगैरह. सो इसे, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है EU का, पार्लियामेंट तो कॉमन है, देन EU का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये लोगों ने ड्राफ्ट करने की कोशिश की. इट वॉज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे ये इनको, इनका जो एम था कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेल हो गया. सो EU को क्यों पावर माना जाता है कि EU के जो भी, सॉरी, EU के जो भी कंट्रीज है उसमें जो ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है, ब्रिटेन और फ्रांस ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, और ये एक यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है. सो परमानेंट और नॉन परमानेंट, और नॉन परमानेंट मेंबर में भी EU के जो मेंबर नेशंस है वो इलेक्ट होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर वो चेंज होते रहते हैं. सो परमानेंट मेंबर कौन है यूनाइटेड नेशंस के? एक तो चाइना है, फ्रांस है, रशिया, देन UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ये जो है ये परमानेंट मेंबर है, और ये पांच परमानेंट मेंबर है. इसके साथ नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 10 होते हैं. सो उसमें से कुछ नॉन परमानेंट मेंबर में भी EU के जो नेशन, EU के जो मेंबर नेशन है वो भी आते हैं. सो इसलिए इसको पावर माना जाता है एक, और इसके वजह से जो EU है वो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी को भी एक इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है. जैसे कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट की पोजीशन थी, वो अभी डिप्लोमेटिक बनी है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो कोअर्शन या फिर सप्रेशन फॉलो करता है ईरान के. तो नाउ US इज नेगोशिएटिंग एंड इट इज़ हैविंग अ डिस्कशन रादर देन कोअर्शन एंड मिलिट्री फोर्स. इट हैज़ बीन इफेक्टिव इन द केस ऑफ डायलॉग विद चाइना ऑल्सो एंड ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के. ये बिकॉज ऑफ द EU का, ये है, ये EU का इन्फ्लुएंस है. बट ब्रिटेन तो अभी नहीं, ब्रिटेन ने एक्सिट कर लिया, ब्रेक्सिट जिसको हम लोग बोलते हैं. बट स्टिल EU फिर भी एक, वी कैन से इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल माइंड इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बिकॉज इसका यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमी, मैंने बोला है, $70 trillion है GDP 2016 के अकॉर्डिंग, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस ऑफ ब्रेक्सिट. सो इन 2016 द पीपल ऑफ UK वोटेड टू लीव यूरोपियन यूनियन इन अ रेफरेंडम. द UK फॉर्मली एंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ EU एट midnight एंड फ्राइडे 31 January 2020. दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक्सिट. ब्रेक्सिट इज एन assertion ऑफ द ब्रिटिश सेंस ऑफ नेशनलिज्म. दिस शोज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज वेरी मच रेलिवेंट. एंड यहाँ पे रिमेंबर द डेट, कौन सी? मिडनाइट फ्राइडे 31 January 2020 इन्होंने एग्जिट किया. सो दिस शोज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वेरी मच रिलेवेंट, हैव अ डिस्कशन इन दिस. ओके, नाउ व्हाई, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए. व्हाई डिड ब्रिटेन वांट टू एग्जिट फ्रॉम EU? डज द वोट इन द फेवर ऑफ ब्रेक्सिट गो अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. ओके, हम लोग पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटेन वांट टू एग्जिट फ्रॉम EU? यहाँ पे मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैप है UK का. UK को हम लोग बोलते हैं अ कंट्री विद इन अ कंट्री, क्योंकि UK जो है इसमें बहुत सारे कंट्रीज है, मतलब चार कंट्रीज है टोटल, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड. ये जो कंट्रीज है ये सब कंट्रीज मिलके यूनाइटेड किंगडम बोलता है, इसलिए हम लोग इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं. ये कंट्रीज के अलग अलग खुद के फ्लैग है और UK का एक कॉमन फ्लैग है. यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ द कॉमन फ्लैग ऑफ UK एंड यहाँ पे स्कॉटलैंड आया, नॉर्दर्न आयरलैंड. ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पार्ट नहीं है UK का, ये एक अलग कंट्री है, नॉर्दर्न आयरलैंड एक अलग कंट्री है. सो वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये चार कंट्रीज जो है ये, और इनके जो मैप्स है यहाँ पे सीधर मैप, स्कॉटलैंड का मैप अलग है, वेल्स का अलग है, इंग्लैंड का अलग है, नॉर्दर्न आयरलैंड का अलग है, और इनका सबका एक मिला के एक कॉमन फ्लैग है UK का फ्लैग. इसको हम लोग बोलते हैं कंट्री विद इन अ कंट्री. सो यहाँ पे यू कैन सी, ये मैंने गूगल से लिया है, UK का जो वोटर टर्नआउट था यहाँ पे ज़्यादा. सो मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट है या हम लोगों ने देखा कि इट वाज अ ब्रिटिश सेंस ऑफ नेशनलिज्म. सो ब्रिटेन जो है उसका जो मैक्सिमम वोट है वो ब्रिटेन का आया, कि यहाँ पे आपको रिमेन करना. यहाँ पे देखो जो पहला इमेज यहाँ पे लिया है रिमेन, एंड यहाँ पे दिया है लीव.
ये 41% 48.1% जो है वो रिमेन आया था और 51.9% जो है लीव आया था. इसका मतलब मैक्सिमम लोगों को लीव करना था, बट ये सिर्फ ज़्यादा जो मैक्सिमम टर्नआउट जो लीव था वो एक पर्टिकुलर रीजन से आया था. देखो ये मैप, यहाँ पे इंग्लैंड है राइट, यहाँ पे इंग्लैंड का जो टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट, वो 53.4% है, जो कि बोल रहा था कि हम लोगों को ईयू का पार्ट नहीं रहना है. और ये जो स्कॉटलैंड है, इसका 62.0% पार्ट आया कि इसको रहना है ईयू में. सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, स्कॉटलैंड और यूके में, मतलब इनके अंदर भी इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में झगड़े हो रहे हैं. बिकॉज ये जो यहाँ पे मैक्सिमम इंग्लैंड को नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो कुछ जो जिन्होंने वोट किया है वो मैक्सिमम जो वर्कर है, उन लोगों को डर लग रहा है कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी या फिर ज़्यादा लोग आएंगे माइग्रेंट्स, तो इनकी जो जॉब्स है वो चली जाएंगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस ये लोगों ने डर के मारे या फिर ऐसे, सो इनका स्कॉटलैंड को पसंद नहीं है. सो इन स्कॉटलैंड का कहना है कि इसको EU का पार्ट रहना चाहिए. सो इसलिए यहाँ पे पूछा है, डज द वोट इन फेवर ऑफ ब्रेक्सिट गो अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइज. सो ऑफ कोर्स इनमें से कुछ रीजंस है, इसका एक कॉमन रीजन है यूरो जो करेंसी है, दे डोंट वांट टू फॉलो यूरो एज देयर करेंसी. देन सेकेंड रीजन है माइग्रेशन ऑफ लेबर. सो जो माइग्रेंट्स है, जो लेबर माइग्रेंट्स है जो इधर आ रहे हैं, सो ये लोग उन लोगों को नहीं चाहिए. दे वॉन्ट टू कंट्रोल, जो EU है वो कंट्रोल रखता है यूजुअली उनके पॉलिसी के द्वारा, बट ये माइग्रेशन सिस्टम है, जो इमिग्रेशन सिस्टम है, वेर यूके जो है इसको, दे आर हैविंग अ लिटिल कंट्रोल ऑन देयर कंट्रीज बॉर्डर्स. एंड ये लोगों को लगता है ये थोड़ा सा कंट्रोल है खुद की कंट्री के बॉर्डर या फिर लोगों को, इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करना, इट इज़ नॉट गुड फॉर देम. सो दे वॉन्ट फ्रीडम टू कंट्रोल देयर बॉर्डर. And also they want freedom because they want to generate own jobs. मतलब वहाँ के लोगों के लिए jobs generate करना, उनकी economy को सुधारना, these are there. और इसीलिए you can see this image यहाँ पे, this is the image of Titanic. यहाँ पे क्यों दिया है Brexit का, because the कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का बोला था वो फेल हुआ था, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशिएटिव. एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे कार्टून में जो है इमेज दिया है वो टाइटैनिक का दिया है, बिकॉज दिस वाज अ फेलियर. नाउ अभी ये लोगों ने ब्रेक्सिट किया है, मतलब एग्जिट किया है, देन ऑब्वियसली जो पहले रिलैक्सेशन रहते थे ट्रेड के ऊपर वो टैक्स अभी लगेंगे. नाउ अभी जब ये लोग दूसरी कंट्रीज़ को, सपोज या स्पेन या इटली फ्रांस में से कुछ इंपोर्ट इधर कर रहे हैं, या फिर यूरोपियन यूनियन के पार्ट में से कोई भी कंट्री है सच जो इम्पोर्ट कर रहे हैं जिनसे ये ब्रिटेन, सो इन लोगों को यूके जो अभी इम्पोर्ट करेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा राइट. सो टैक्स लगेगा तो उसकी लोग है, मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज द प्राइस. सो अल्टीमेटली जो बायर है, जो कॉमन मैन है, जो बाय करने वाला है वो प्रोडक्ट, उसको अभी वो एक्सपेंसिव मिलेगा या फिर जो पहले रेट था उससे ज़्यादा रेट में मिलेगा. सो यहाँ पे दोनों को भी, मतलब अब बायर है वो बाय अभी थोड़ा करेगा, इसीलिए इनका जो जितना सप्लाई होता था वो इतना सप्लाई नहीं हो पाएगा, या फिर क्वांटिटी जो है सप्लाई की वो रिड्यूस हो जाएगी. सो इसीलिए ये सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है, डज द वोट इन फेवर ऑफ ब्रेक्सिट गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नाउ दिस यू हैव टू थिंक. सो दिस दे हैव गिवन यू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू what happens, the vote in favor of Brexit goes against the concept of globalization. You are having next chapter on which you are totally focusing on the globalization part. So मैंने वो chapters में भी videos डाले हैं, so you can watch that economic issues and all वो सब part. So आप खुद का opinion बता सकते हो in the comment section. So thanks for watching this video and don't forget to subscribe my YouTube channel for more videos.